नए दिन नए डेस्टिनेशन के साथ हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में पड़ता है। बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि श्री कृष्ण जी और खाटू श्याम एक ही हैं, बट इन एक्चुअली खाटू श्याम भक्त थे श्री कृष्ण जी के। कृष्ण जी के कहने पर जब खाटू श्याम ने अपना सर काटकर उन्हें दे दिया था तो उन्हें वरदान मिला था कि कलयुग में वो श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे, जो कि श्याम एक कृष्ण जी का ही नाम है। तो बहुत सारे नाम है खाटू श्याम के, हारे का सहारा, दीनों का नाथ, श्याम धनी, श्याम खाटू का श्याम, नीले घोड़े का सवार, तो बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं हमारे खाटू श्याम बाबा। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इनका राजस्थान जिले में, जहाँ के दर्शन करने के लिए हम निकल चुके हैं आज मम्मी और पापा के साथ। देखते हैं, प्लानिंग तो बहुत सारी जगह थी कि हम नाहरगढ़ फोर्ट भी जाएंगे, इधर उधर भी जाएंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा। तो निकलते हैं, पहले फटाफट से दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपने आगे की जर्नी। ये बताओ कहाँ जाओगे? बालाजी के दर्शन तुमने कर लिए और अब रतनगढ़ फोर्ट जाओगे या फिर सेंचुरी जाओगे या फिर हम वहाँ खाटू श्याम के मंदिर चलेंगे? हम तो श्याम खट्टू के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन हुए, अब जाम से हम खट्टू के दर्शन करेंगे। क्यों सेंचुरी नहीं जाना? नहीं नहीं, सेंचुरी चलते हैं ना, खट्टू की बहुत इच्छा थी, उनके दर्शन करेंगे। कुछ खाटू श्याम के बारे में तो बताओ आप। खाटू श्याम जी, ये कहावत है बहुत पुरानी, बहुत पहले से कहावत है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में आके महाभारत के समय जो उन्होंने शिक्षा दी लोगों को, जो उन्होंने बताया कृष्ण जी के बारे में, वो बहुत ही अनमोल बात थी। इसके बारे में हमने बताया कि खाटू श्याम अब तो इनके दर्शन करेंगे। पापा क्या स्टोरी बता रहे थे आप खाटू श्याम की? वहां तो इतनी आवाज नहीं आई, अब बताना क्या स्टोरी बता रहे थे आप। जब महाभारत हुआ, महाभारत के समय खाटू श्याम आए और कृष्ण जी को, जब कृष्ण जी ने ये देखा कि महाभारत जीत सकते हैं, वो थे कौरवों के साथ, तो कृष्ण जी ने खाटू श्याम को ये कहा, बबरीक को, खाटू श्याम का पूरा नाम है बबरीक, बबरीक को ये कहा कि तुम मुझे अपना गला दे दो, क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि बबरीक जिसकी तरफ भी होंगे जीत उसी की होगी, तो अपना गला देने के लिए बोल दिया था। इसीलिए पांडवों को जिताने के लिए कृष्ण जी ने बबरीक से उनका सर मांग लिया, बबरीक ने अपना सर काट के उनको दिया। बबरीक मतलब खाटू श्याम, बबरीक खाटू श्याम। अच्छा, जो और फिर कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उनको ये आशीर्वाद दिया कि बबरीक जो तुम्हारी पूजा करेगा कलयुग में, वो खाटू श्याम के नाम से तुम प्रसिद्ध होगे, और जो वो मनोकामना चाहेगा वही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए आज खाटू श्याम का बहुत गुणगान है और उनकी सारी जो उनके पास आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और अब अगला प्रोग्राम हम सोच रहे हैं
कि रतनगढ़ का होगा नहीं तो जयपुर का होगा। जयपुर में भी मतलब कल जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं क्या? क्या बात है भाई, ये तो मुझे भी अभी पता चला।